जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम बात करें मेसोपोटामिया सभ्यता की, और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हम लोगों ने उनके शहरी जीवन, लेखन कला और विकास, और उनके विश्व की देन जो था वो हमने पढ़ा कि मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोगों ने, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने विश्व को क्या क्या दिया। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि मेसोपोटामिया सभ्यता ने विश्व को एक तो गणित के क्षेत्र में योगदान दिया, और दूसरा काल गणना में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। गणित के अंदर त्रिभुज, आयत, वर्ग, घनमूल, वर्गमूल, इस प्रकार की जो है इनके इन्होंने आविष्कार किया था इन चीज़ों का। इसके बाद में इन्होंने काल गणना के क्षेत्र में जैसे एक वर्ष को इन्होंने 12 मास में विभाजित किया था, 12 मास को इन्होंने, एक मास को इन्होंने 4 सप्ताह में विभाजित किया था, 7 दिनों को 1 सप्ताह में विभाजित किया था, फिर एक दिन को 24 घंटे में, और 24 एक घंटे को 60 मिनट में इन्होंने जो है बांटा था। तो ये इनकी एक विश्व को महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। लेखन कला की बात हमने की थी, इन्होंने क्यूनिफॉर्म नामक लिपि का आविष्कार किया था, और मिट्टी की पटिकाओं पर ये अपना लेख लिखते थे। फिर इन मिट्टी की पटिकाओं को ये लोग जो है आग में पकाते, और फिर इनको लेख के रूप में इनका इस्तेमाल करते थे। अब हम बात करें कि क्या लाइब्रेरी के क्षेत्र में उनका योगदान क्या रहा था। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक व्यक्ति आएगा जिनका नाम है असूरी बनीपाल, एक शासक का नाम आता है जिसका नाम है असूर बनीपाल, असूर बनीपाल। ये एक मेसोपोटामिया का शासक है जिसने एक बहुत बड़े लाइब्रेरी का निर्माण करवाया है, पुस्तकालय का निर्माण करवाया है, और ये जो पुस्तकालय है इन्होंने नीनवे एक नगर था, इस नीनवे नगर में पुस्तकालय का निर्माण करवाया था इस असुर बनीपाल नामक शासक ने। नीनवे के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा एक लाइब्रेरी स्थापित करवाया था। इसके बाद में इसी असुर बनीपाल नामक शासक ने कई ग्रंथों को एकत्रित किया, और वो ग्रंथ जो थे, एक बहुत बड़े कवि थे जिनका नाम था गिलगमेश नामक एक शासक, एक महाकवि था, और इस कवि के ग्रंथों को एकत्रित करके तकरीबन 1000 प्रतियों को इन्होंने एकत्रित किया था, और इनको एकत्रित करके इन्होंने इस लाइब्रेरी में इनको रखवाया था। इसके बाद में हम बात कर सकते हैं कि एक पुरातत्ववेत्ता का निर्माण भी यहाँ पर होता है, और उस व्यक्ति का नाम है नेबोपोला सर। एक पुरातात्विक है नेबोपोला सर। इस पुरातात्विक ने ये पुरातात्विक के साथ साथ एक सूरवीर भी था जो कच्छार का था। इसने बेबीलोनिया नामक नगर को असीरियाई जाति से मुक्त करवाया था। सीधी बात है, नेबोपोलासर एक सूरवीर शासक, एक व्यक्ति था जो कच्छार का था। इसने बेबीलोनिया नगर को असीरियाई जाति से मुक्त करवाया, और इसमें बड़े बड़े राजमहलों का निर्माण करवाया,
मंदिरों का निर्माण करवाया, एक सुंदर नगर की स्थापना नेबो पोलासर नामक शासक ने की थी। और इसके बाद में यहां पर जिगुरातों का निर्माण हुआ। जिगुरात मंदिर और बड़ी बड़ी मीनारों का भी इन्होंने निर्माण करवाया था। साथ ही इस ये नगर जो था बड़ा उन्नत और प्रसिद्ध और सुखद नगर बन गया। और बेबिलोनिया नगर का अंतिम जो शासक था जिसका नाम था नेबो निड्स, जो अगर आपको पूछ लें बेबिलोनिया नगर का अंतिम शासक कौन था तो इसका नाम है नेबो निड्स, जिस जो यहाँ का अंतिम शासक था। और उसने अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया था। और उसने अक्कद के राजा सारगोन की मूर्ति की मरम्मत करवाई, उसका खंडित सिर जो था उसको इसने चेंज करवाया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि नेबो निड्स जो यहाँ का अंतिम शासक था जिसने अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया, और साथ ही इसने एक शासक था अक्कद का जिसका नाम था सारगोन, इस सारगोन की मूर्ति की मरम्मत भी इसने करवाई थी। तो इस प्रकार से हमारी ये आज मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है समाप्त होती है। और कल हम जो है एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ सामने आएंगे, और इसके कुछ 4-5 प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हैं सो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि मेसोपोटामिया वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है? ईरान, कुवैत, तुर्किस्तान या इराक? तो वर्तमान में मेसोपोटामिया जो है वो इराक का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? इराक का। इसके बाद में दूसरा सवाल है, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण शुरू हुआ था 7000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व या 2000 ईसा पूर्व? तो यहां पर मंदिरों का निर्माण हुआ था 5000 ईसा पूर्व शुरू। अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की लिपि कहलाती थी वर्णाक्षर लिपि, संकेतात्मक लिपि, किलाकार लिपि, प्राकृतिक लिपि? तो इसका राइट आंसर है किलाकार या क्यूनिफार्म। क्यूनिफार्म कौन सी लिपि थी? किलाकार या क्यूनिफार्म। अगला है मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी? तो हम लोग देख सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी जो भाषा थी उस भाषा का नाम था सुमेरियन भाषा। कौन सी भाषा थी? सुमेरियन भाषा। मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी? सुमेरियन भाषा। इसके बाद में असुर बनीपाल कौन था? पुरोहित था, योद्धा था या असीरिया का शासक था या शिल्पी था? तो असुर बनीपाल जो था वो अभी हमने पढ़ा है कि ये असीरिया का एक शासक था या राजा था। इस प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो दल्ला और फरात। वर्तमान में मेसोपोटामिया किस गणराज्य का हिस्सा है? इराक। मेसोपोटामिया प्रचलित भाषाओं के नाम बताइए, सुमेरियन, अक्कदी और अरामाइक भाषा। सभी पुरानी भाषा व्यवस्थाओं में कौन सी कहाँ की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली होती थी? मेसोपोटामिया की। दक्षिण जीवन की दो विशेषताएं, श्रम विभाजन और व्यापार। मेसोपोटामिया की लिपि क्यूनिफार्म या किलाकार। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है? सुमेरियन भाषा। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न हैं जो हमें याद रखने हैं, और इसके आगे हम
आगे वाला पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय गुरुदेव।